जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से संध्या सक्सेना एस्ट्रो और लव सॉल्यूशन बाय संध्या सक्सेना, तीन चैनल हैं, इन सब की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आपके नए टॉपिक के बारे में जिसमें आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास अक्सर लोग फ़ोन करते हैं कि वो अपने प्रिय को, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई अपने पति से परेशान है, कोई अपनी प्रेमी से परेशान है, कोई अपने माँ बाप से परेशान है, कोई अपने बच्चे से परेशान है। यानी कि अगर आप किसी को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, अपने प्रिय को आप कंट्रोल में करना चाहते हैं, आज उसी के लिए आपको उपाय बताऊंगी। और साथ में मैं आपको एक खास चीज़ बताऊंगी, और एक खास चीज़ होगी एक कि हम चावल के क्या क्या प्रयोग और कर सकते हैं जिससे कि आपका कोई दुर्लभ काम बन जाए। तो एक साथ अब दो दो टॉपिक चला करेंगे। किसी खास चीज़ के बारे में बताया करूँगी, विश भी पढ़ा करूँगी, एक आपको टोटका भी बताऊँगी, उपाय बताया करूँगी। तो आज हम तीन चीज़ों के बारे में आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं चावल के बारे में बात करूँगी कि चावल जब भी पूजा में यूज़ करते हैं तो बिना टूटा हुआ ही लेना चाहिए। जो खंडित चावल होता है उसका कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि जो चावल टूटा हो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप बासमती चावल या जो सेला चावल होता है या फिर कोई और चावल जो होता है, शरबती चावल भी ले सकते हैं पूजा में, लेकिन टूटा चावल नहीं लेना है। इसलिए चावल को हमेशा ध्यान देना चाहिए। चावल का प्रयोग मन को शांति के लिए होता है, और अगर शिव जी को चावल चढ़ाया जाए, शिव जी को खीर बहुत पसंद है चावल की, और चावल को आप वैसे भी प्रसाद के रूप में भी बांट सकते हैं। चावल जो है में अगर हल्दी मिला दिया जाए तो वो माता बगलामुखी को चढ़ सकते हैं, और माता ये जो विष्णु जी हैं उनको भी चढ़ सकते हैं, और केले पे जो बृहस्पति देवता है उनको भी चढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी चावल के बहुत सारे प्रयोग हैं, फिर कभी बताऊँगी। लेकिन अब जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अपने प्रिय को अपने कैसे कंट्रोल में करें इस प्रयोग से। तो वो है कि यदि आपका प्रिय आपसे बहुत नाराज़ रहता है, आपका बेटा हो, माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, पति हो, पत्नी हो, उसी के लिए आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कुछ काली मिर्चें लेनी है। और काली मिर्च क्या करती है, आपके शनि की द्योतक होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो आपकी इच्छा के अगेंस्ट होती हैं उसको सही करने का काम करती हैं। आपको बस ये करना है कि आपको काली मिर्च लेनी है, नियमित रूप से उस व्यक्ति का नाम लेके जिसको आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, इसका सेवन करना है। कैसे सेवन करना है वो आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक मैसेज आया है कि कल्पना वादेल की दूसरी शादी जल्दी से हो जाए और मुंबई में किसी अच्छे लड़के से। प्रीति कुमारी कश्यप चाहती हैं कि उनका मेडिकल में, नीट में, पीजी में सिलेक्शन हो जाए, और अमित की शादी ऋतु पोरिया से हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं। तो इन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। गणेश जी आपका शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। गणेश जी आपका शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। अगर आपको भी कोई मैसेज करना हो यूनिवर्स में तो आप मुझसे लगवा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको रीडिंग करानी हो तो फ्री रीडिंग है इस समय। आपको अपना नाम, फोटो, एज, प्लेस, आपकी जो भी समस्या है 8126476399 पे या 9027828840 पे व्हाट्सअप कर देंगे। आपकी जब आपकी समस्या मुझे मिलेगी तो मैं रात को 10 से लेकर 2 बजे के बीच में जो मैं रीडिंग हूँ उस रीडिंग में मैं आपकी देख के बता दूंगी कि आपकी समस्या का सलूशन आपको कैसे मिलेगा। तो अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। मैंने आपको चावल के बारे में बता दिया, मैंने आपकी तीन विश भी पढ़ दी। अब जो समस्या आई थी वो थी कि मेरे प्रिय को मैं कैसे कंट्रोल करूँ। तो काली मिर्च को आपको लेना है, और जिस व्यक्ति को भी आप पसंद करते हैं, जो आपका बेटा है, पति है, प्रेमी है, बच्चा है, आपकी सास है, आपकी ससुर है, उसके नाम को लेकर हमेशा कहना है कि अमुक व्यक्ति मेरे वश में है, अमुक व्यक्ति मेरे वश में है, अमुक व्यक्ति मेरे वश में है, अमुक व्यक्ति मेरे वश में है। अगर आप इस तरह से आप लगातार मैसेज यूनिवर्स में छोड़ेंगे और उस व्यक्ति के लिए याद करेंगे कि जो भी व्यक्ति के बात आप कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति आपके वश में धीरे 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 हो जाएगा। इसका आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिस व्यक्ति को भी आप चाहते हैं, जिस व्यक्ति को भी आप पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके साथ रहे, आपके पास घूमे फिरे, आपके साथ ही रहे हमेशा, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रश्न आपका ये भी था कि काली मिर्च लेनी कितनी है, तो काली मिर्च उतनी ले सकते हैं जितना उस व्यक्ति के नाम के अक्षर है। अब लेकिन आप बोलोगे कि अगर जैसे किसी का नाम सुमन कुमारी है तो उसमें 6 काली मिर्च हो जाती है। अब इतनी काली मिर्च को खाने से भी किसी को नुकसान हो सकता है, कैसे कुछ लोग बोल सकते हैं। तो आप अपने दिमाग से ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसके पूरे नाम को किसी एक काली मिर्च में समेट लें। अच्छा, ये काली मिर्च कौन सी है? ये मिर्च वो वाली है जो गोल गोल काली मिर्च होती है। काली मिर्च में भगवान श्रीदेव का हिसाब बढ़ता है, इसलिए इसको हम प्रयोग करते हैं। नकारात्मक शक्ति को भी काटता है और आपको पॉजिटिव भी रखता है। तो काली मिर्च गोल वाली लीजिएगा, 1 या 3 या 5, उस पर अपनी मनोकामना बोलिए, उस विश को बोलते रहिए लगातार, तो वो व्यक्ति आपके कंट्रोल में हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर आ सकते हैं और इसे देखिए, तीनों चैनल पर जाइए, बहुत सारे उपाय हैं। घड़ी घड़ी कॉल या मैसेज मत कीजिएगा जब तक जरूरत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। मैं हूँ संध्या सक्सेना।